नालागढ़ शहर व साथ लगते गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत बाबड़ियां कुएं इत्यादि विभागीय उपेक्षा के कारण अपने बदहाली के आंसू रो रहे हैं। प्राचीन समय में नालागढ़ में बनी बाबड़ियां व कुएं आदि नालागढ़ के लोगों की प्यास बुझाते थे, लेकिन आज इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। और इनकी हालत ये है कि यहाँ पर गंदा पानी जमा हो रहा है और पानी बदबू मार रहा है। ये शहर के बीचों बीच होने के कारण यहाँ पर बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं पर विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। नालागढ़ विकास मंच के अध्यक्ष नरेश घई सहित लोगों ने विभागीय कार्रवाई के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए नालागढ़ के साथ लगते क्षेत्रों के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मियों में ये पानी की समस्या और भी गंभीर बन जाती है। नालागढ़ के जूनियर इंजीनियर ने कहा कि नालागढ़ में अधिकतर प्राकृतिक जल स्रोतों की हालत संतोषजनक है, लेकिन कुछ बाबड़ियों और जल स्रोतों की हालत खराब है। उसका नगर परिषद में प्रस्ताव पास कर शीघ्र ही सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा। नालागढ़ क्षेत्र जो कि पहले ही पानी की कमी से काफ़ी जूझ रहा है, और हमने देखा है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत थे वह भी अवैध रूप से खनन होने के कारण, और जो विकास सड़कें बन रही हैं या दूसरी तरह से जो विकास की गति चल रही है उसके कारण भी प्राकृतिक स्रोतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिर भी कुछ प्राचीन प्राकृतिक स्रोत नालागढ़ शहर में और इसके नज़दीक के इलाके में अभी भी विद्यमान हैं, लेकिन उन प्राकृतिक स्रोतों को जो रख रखाव होना चाहिए या जिस तरह से उनके पानी का इस्तेमाल सही रूप से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है। ना ही सरकार ना ही लोकल प्रशासन इसके बारे में कोई उचित पग उठा पाया है, क्योंकि नालागढ़ क्षेत्र जो कि शहर जो खास रूप से नालागढ़ शहर है वह पानी की कमी से जूझ रहा है। इस वर्ष सर्दियों में भी कई कई दिन पानी जो है शहरवासियों को नहीं मिला, और गर्मियों में तो अमूमन जो है पानी की कमी रहती है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए अगर वैकल्पिक व्यवस्था जो हमारे प्राकृतिक स्रोत जो कि प्रकृति की हमें देन है नालागढ़ को, क्योंकि नालागढ़ शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर और रमणीक शहर है, तो यहाँ चारों तरफ जो पहाड़ियों के नीचे प्राकृतिक स्रोत हैं बोड़ियाँ हैं, तो सरकार को और कमेटी को चाहिए और यहाँ के जो प्रशासन है उसे चाहिए कि इन बोड़ियों की साफ सफाई और इस पानी को पीने योग्य बनाकर और इनके चारों तरफ उसे इस तरह से इस्तेमाल लाया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आंटी, नालागढ़ में इतनी बोड़ी है, उनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें सफाई होनी चाहिए। साडा ये बाजार है कि इन्हें सफाई की जाए, अच्छे बंदन बनाई जाए। भैया, हम चाहते हैं कि ये सारी बोड़ियाँ साफ करके लोगों को प्रॉब्लम हो, आने वाली गर्मी में जैसी प्रॉब्लम होती है पानी के लिए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लोग यहाँ से पानी यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, तो इनकी सफाई होगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। हमारे नालागढ़ में सुधार होना चाहिए बोड़ियों का, और पानी भी आना चाहिए। पानी उन गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं आएगा, पानी पानी की बहुत कमी है। जितने भी पुराने स्रोत है, कुएं है, बोड़ियां है, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं, और कई दफ़ा हम प्रशासन के जहन में भी ये चीज़ें डाली है कि जितने पुराने स्रोत है, कुएं हैं, बोड़ियां हैं, इनको दोबारे ठीक किया जाए ताकि हमारे नालागढ़ में जो पानी की किल्लत है काफ़ी हद तक इससे अब उबर सकते हैं। काफ़ी कुएं हमारे यहाँ नालागढ़ में हमारे और एक ऊपर में भी है कुआ, तो ऐसे गाँव में भी काफ़ी कुएं हैं। अगर सरकार इनके तरफ ध्यान दे, पहाड़ में काफ़ी बोड़ियाँ हैं, बड़ी बहुत पुरानी बोड़ी है, से बहुत से पुराने स्रोत है जैसे बोड़ियाँ कुएँ हैं, अगर सरकार इनके ऊपर ध्यान दे तो ये दोबारे सुचारू रूप से चल सके और जनता है जो लोग है इसका फ़ायदा ले सके और पानी से निजात मिल सकेगी सारी जनता को। है कि नालागढ़ शहर में लगभग 9-10 बोड़ियाँ हैं, वो बोड़ी तो ठीक ठाक चल रही है, और दूसरा वार्ड नंबर 8 में है हनुमान मंदिर के पास, उसका हमने उसकी रिपेयर और मरम्मत करवा दी है, और उसमें आगे गेट गुट लगवा दिया है, उसका पानी पीने के योग्य है। और इसी तरह वार्ड नंबर 3 में एक शिव मंदिर के पीछे की ओर बोड़ी है, वो भी चलती हालत में है, और एक वार्ड नंबर 3 में ही शिव मंदिर के नीचे की तरफ बोड़ी है, उसकी हालत थोड़ी ख़राब है और उसका रेजुलेशन जो हो गया है और उसका हम जल्दी ही काम करवाने जा रहे हैं, उसके ऊपर छत डाल के और उसका साइडों में टाइली टोली लगवा के सारा काम उसका थोड़े ही 1-1.5 महीने में हो जाएगा। अच्छा सर, अगर बोडियों तो सही रख रखाव होया, सही पानी होया, जो पानी समस्या ऐसे कुछ
ऐसा है कि बोरियों का पानी जो है इसको हम पीने के योग्य तो नहीं मान सकते, क्योंकि इसकी टेस्टिंग वगैरह तो हुई नहीं है, या तो इसकी टेस्टिंग IPH डिपार्टमेंट से करवाई जाए। अगर वो पानी पीने योग्य है तब तो उसको लोग पी भी सकते हैं, अदरवाइज उसको कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए या पशुओं को पिलाने के लिए इस्तेमाल भी लिया जा सकता है। प्राचीन समय में तो पीते थे, प्राचीन समय में पीते थे, परंतु अब प्रदूषण भी बढ़ गया है, इंडस्ट्री बढ़ गया है, और कि वो बोरियों का पानी खराब हो रहा है। इनका तो नहीं, जो 3-4 बोरियों की हमने मरम्मत करवाई है उनका पानी तो लोग पीते भी होंगे शायद, लेकिन पानी उनका ठीक है, साफ है और पीने योग्य भी है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अनबर के साथ सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।